वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 8। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का हम लोग अब तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर को। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन द सम वेज एज वी सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को भी हम उस तरह से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि फ्रैक्शन को करते हैं। द रेशनल नंबर्स आर कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पहले रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में, वेयर द डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू द एलसीएम एंड ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स मेरा इक्वल हो एलसीएम के, जो कि डिनोमिनेटर्स होता है दोनों या जितना भी होगा। द नंबर्स आर देम सब्ट्रैक्टेड, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 2/7 एंड 5/14। इसको सब्ट्रैक्ट किया, एलसीएम लिया तो 14 हुआ। 14 को 14 में से माइनस करेंगे तो ये 5 और 7 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। और इस तरह से 5-4 इक्वल टू 1/14। सो इस तरह से हम जैसे फ्रैक्शन को सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज होता है सब्ट्रैक्शन करने का। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें रेशनल नंबर ही देता है। लेट अस सब्ट्रैक्ट 8/10 फ्रॉम 11/15। यहाँ 8/10 को घटाना माइनस करना है 11/15 में। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस करना है। तो 11/15 - 8/10, इसका एलसीएम ये 30 हुआ, ये 22, ये 24, और ये माइनस किया, माइनस करके यहाँ पर आया -2/36, डिवाइड किया तो -2/30, तो ये 15 से कटा, ये 2 से कटा, तो -1/15। ये भी मेरा रेशनल नंबर ही है। दस रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो क्लोज्ड अंडर क्लोज्ड वो रेशनल नंबर ही देता है। लेकिन आगे देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर टू रेशनल नंबर्स 4/6 and 7/12। दो रेशनल नंबर को अगर हम लेते हैं, लेट अस चेक वेदर, तो इसको हम चेक करते हैं 4/6 - 7/12 and 7/12 - 4/6, यानी उसी नंबर को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो हमें इक्वल नहीं देता है। इसको हम चेक करके देखते हैं। LHS मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का लिया 4/6 - 7/12, इसका एलसीएम 12 हुआ, ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 8 8 - 7 2 1/12। फिर 7/12 को माइनस किया 4/6, तो ये हो जाएगा 7-8/12, यानी -1/12, यानी LHS और RHS बराबर इक्वल नहीं है, not equal to RHS LHS। दस रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि रेशनल नंबर जो है अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये सेम नहीं देता है।
ठीक वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा है, कंसीडर एनी थ्री रेशनल नंबर, कोई तीन रेशनल नंबर लेते हैं, 5/6, -7/12 एंड -9/18। लेट अस चेक वेदर, चेक करते हैं इस तरह से, 5/6, -7/12, -9/18, यानी ये ए हुआ, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, इस तरह से। एक बार इस दोनों को एसोसिएट किया, इस बराबर इक्वल टू करके इस दोनों को एसोसिएट किया, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर मेरा आता है क्या, LHS में, यानी LHS इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर मेरा आएगा क्या, 11/12। फिर RHS को करेंगे, ये RHS को करेंगे तो RHS का वैल्यू आता है मेरा क्या, तो 23/12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS और RHS ये इक्वल नहीं होता है 10। तो हम कह सकते हैं रीजनल नंबर आर नॉट एसोसिएटेड अंडर सबट्रैक्शन, रेशनल नंबर मेरा एसोसिएट नहीं हो पाता है अंडर सबट्रैक्शन। ठीक इसी तरह हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरा सेम देता है, यानी इक्वल देता है, फिर सबट्रैक्ट डिवीजन जब हम करते हैं तो फिर इसी तरह सबट्रैक्शन के तरह ही इक्वल नहीं देता है, यानी चार ऑपरेटर्स होता है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो याद रखना है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये सेम देता है, कौन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव सेम देता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये सेम नहीं देता है, ये हमें याद रखना है। और आज का क्लास इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं आप लोगों को, उसको बनाइएगा, सबमिट कीजिएगा, हम चेक करके आप लोगों को देंगे। थैंक यू वेरी मच।